नर्मदा जिल्लाना राजपीपळामां आम आदमी पार्टीना उम्मीदवारना प्रचार माटे पंजाबना मुख्यमंत्री भगवंत मानना रोड शो पहला ज नगरपालिका द्वारा आम आदमी पार्टीना झंडा अने तोरणो हटावी लेवाता विवाद उभो थयो हतो। राजपीपळा नगरपालिकानी आ नीतिने आम आदमी पार्टीना कार्यकर्ताओए वखोड़ी काढी परमिशन लीधी होवा छतां पण पालिका भाजपना इशारे काम करती होवानो आक्षेप कर्यो हतो। हा, आम आदमी पार्टीना झंडा उतारी लेवामां आव्यो छे, शुं छे साहेબ? રાજકોટ નગરપાલિકાના જે સ્ટેશન રોડ વિસ્તાર છે એમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે તમારા ઝંડા જોવા મળ્યા, આચારસંહિતા અમલમાં હોવા છતાં પણ આવી રીતના એમણે કોઈપણ જાતિ પરવાનગી વગર સરકારી મિલકતોમાં જે આવી રીતના ચૂંટણી સાહિત્ય લગાવ્યું છે તે યોગ્ય નથી। નગરપાલિકા દ્વારા હાલ તાત્કાલિક ધોરણે એને ઉતારવાની કામગીરી કરી છે। એ લોકો એવું કહે છે કે આ ભાજપના ઇશારે તાનાશાહી આવીને નગરપાલિકા આ રીતે આક્ષેપ લગાવે છે, આ નગરપાલિકા શું છે? કંઈ નથી, આ તો અમે ફક્ત અમારી ચૂંટણીની જે કામગીરી છે કરી રહ્યા છે। ઓકે, વાત કરી રહ્યા છે। हाँ सर जी, आज पंजाब के मुख्यमंत्री राजपीपळा में रोड शो के लिए आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का जो झंडा लगाया हुआ था वो राजपीपळा नगर निगम ने इसको निकाल दिया है, इस बाबत में आप क्या कहोगे? पहले तो हम आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करते हैं कि ये न्यूज़ चैनल ने हमारा बात सुनने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इससे हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी का झंडा जो नगर निगम के आदमी है ना वो झंडा हमारा उतार रहे हैं आम आदमी पार्टी का, बीजेपी वालों को छोड़ रहे हैं। क्यों ये तानाशाही सरकार क्यों कर रही है? इधर हमारे उधर पंजाब में ऐसा नहीं होता। पंजाब में कैसे होता है कि जो झंडा नगर पालिका सभी का उतारेगा, नहीं तो नहीं किसी का भी नहीं उतारेगा। इधर में हमने देखा गुजरात में आके कि मोदी सरकार बहुत तानाशाही कर रही है, इसलिए हम कल को आ रहा है अमित शाह आ रहा है, इसलिए उन्होंने सभी झंडा लगा रखा है, सबको सब कुछ वैसे चल रहा है। हमारे साथ धक्का क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये बीजेपी वाला बहुत तानाशाही सरकार है, इसलिए जो मैंने देखा है ना ग्राउंड लेवल में, नीचे गांव में जाके देखा ना मैंने, ग्राउंड लेवल तो दिखाई नहीं रहा। ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा रहा है ना, सूरत की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाने को, ये गुजरात मॉडल है। जो ग्राउंड लेवल है वो दिखाने का है ना। अच्छा, नगर निगम बोल रही है कि आम आदमी पार्टी वालों ने परमिशन नहीं ली, ऐसा बोल रहे हैं, आपने क्या परमिशन नहीं लिया उसका? क्यों लिया हुआ है परमिशन क्यों नहीं लिया? सभी पार्टी का परमिशन लिया हुआ है, हमने परमिशन क्यों नहीं लिया? ये तानाशाही कर रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारा CM आ रहा है ना इधर पंजाब का। अच्छा, श्री भगवंत मान जी आ रहे हैं ना, इसलिए ये तानाशाही कर रहे हैं। आपका नाम और होदा? मैं बसंत सिंह डाला, आम आदमी पार्टी हल्का कोऑर्डिनेटर, निहाल सिंह वाला, मोगा, पंजाब।